हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई मेक ऑन न्यूट के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट, और ये माइनक्राफ्ट सीरीज का पार्ट नंबर 12 मतलब 12 होने वाला है। इससे पहले 11 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो, आ रहा होगा प्लेलिस्ट लिखे हुए माइनक्राफ्ट सीरीज, तो उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको पुराने पार्ट 11 भी मिल जाएंगे। और मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ, मेरे को बहुत कमेंट आते हैं कि भाई प्लीज़ पीसी में खेलो। अरे इनमें डिफरेंस क्या है, मेरे को यही चीज़ नहीं समझ में आ रही। लेकिन जो भी है, मेरे पास अभी सिर्फ फ़ोन में ही बाय करने लायक पैसा था तो मैंने इसमें ही बाय कर लिया। पीसी में मैं डुप्लीकेट वाली नहीं करना चाहता ऐसे डाउनलोड, लेकिन पीसी में भी मैं खेलना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पीसी नहीं है, पीसी है, लेकिन माइनक्राफ्ट बाय करने के लिए पैसा नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा, तो सुपर थैंक्स कर सकते हो जाके, ताकि मैं अगली बार मैं पीसी में खेल के डाल सकता हूँ एपिसोड। तो ट्राई करूंगा मैं, हो सके तो, बाकी देखते हैं भाई क्या बनेगा। और हो सके तो GTA 5 वगैरह भी डाउनलोड करेंगे, तो देखेंगे जो भी रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, अपने आर्मर को अपग्रेड नेदरराइट में, और टूल्स को भी नेदरराइट में अपग्रेड करने वाला हूँ, और हो सके तो सबसे बेस्ट एन्चेंटमेंट देने वाला हूँ। आज की वीडियो बस इसी के ऊपर बेस होने वाली है। उसके बाद क्या करना है मेरे को अगले वाले एपिसोड में, जल्दी से जल्दी इसमें क्लियर करके अगले वाले एपिसोड में मेरे को एंडर ड्रैगन को मारने जाना है, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी ना एलाइट्रा चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है ऐसे जाने आने में कहीं पे और बिल्ड करने में। मेरे को एलाइट्रा चाहिए, इसलिए एंडर ड्रैगन मेरे को जल्दी से जल्दी मारना है। अपने लाइब्रेरियन को अपग्रेड करने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा पेपर चाहिए, लेकिन हमारे लाइब्रेरियन ऑलरेडी अपग्रेड है, लेकिन फिर भी हमको ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा पेपर चाहिए। तो मेरे पास अभी अपना फार्म है, तो यहां से मैं भाई शुगर कैन लेकर जा रहा हूं और इनको पेपर में कन्वर्ट करके जल्द से जल्दी ट्रेड शुरू करते हैं। और हो सके तो जो जो भाई बेस्ट एन्चेंटमेंट रहेंगी अपने आर्मर और हमारे टूल्स के लिए, तो वो मैं वहां से खरीदने वाला हूं। तो चलते हैं जल्दी से जल्दी और शुरू करते हैं अपनी ट्रेडिंग को, और देखते हैं मेरे को कितना टाइम लगने वाला है। और भाई मैं ये आपको फालतू पार्ट नहीं दिखाने वाला, तो यहां से मैं कट कर दूंगा। मैं जल्द से जल्दी बस ट्रेड करता हूं और अपनी सारी बुक्स ले लेता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मेरे को ये कन्फर्म पता है, क्योंकि ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये तीन तो हमारे यहां पे विलेजर, सबसे पहले तो स्माइट 2, ये हम शायद एक्स पे लगा लेंगे, और दूसरा इन्फिनिटी 1। मैं बो को बस मेंडिंग के साथ चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को बार बार ऐसे ही भाई बुक्स चाहिए होंगी, नहीं तो ये इन्फिनिटी में टूट जाएगी ना। ब्लास्ट प्रोटेक्शन, और उसके बाद क्या है, फ्लेम वन चाहिए हमको, हमको बो पे लगानी है। ओके, और इसमें क्या है, स्माइट, ये तो भैया आ गया सिम टू सिम। ओके, इसको छोड़ो। पंच 2 ये भी चाहिए हमको हमारी बो के लिए। फॉर्चून, ये हमारी पिकैक्स, और सिल्क टच हमारी पिकैक्स। वैसे तो लगा पड़ा है, लेकिन हमको इनको हटा के दोबारा से करना पड़ेगा सब कुछ। अब भाई लोग, यहाँ पे मैं अभी ट्रेड कर ही रहा था, तभी मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे पेपर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो भाई मेरे को यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। भाई बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं ये सब कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं रेड करवा देता हूँ यहाँ पे, और रेड करवाने के बाद फिर से दोबारा ट्रेड शुरू करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चलता हूँ मैं प्लेजर आउटपोस्ट पे, जो कि मेरे को पता है, पहले हम जब बुटलैंड मेंशन पे गए थे तब मेरे को रास्ते में पड़ी थी वो, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाके हम उस बंदे को मारते बैनर वाले को, फिर आगे आते हैं। ओके, इसको तो मार दिया, अभी मेरे को भाग के बस अपने घर पे जाना है और कुछ नहीं करना। और हमको ये स्मिथिंग टेम्पलेट और भी मिले हैं। अब मेरे को ये भी देखना है कि कौन सा लगाना है मेरे भाई आर्मर पे, देखेंगे। आगे मेरे पास एक वो एंशियंट सिटी वाले भी पड़े हैं 2, वो लगाऊं या फिर ये इनमें से कोई लगाऊं, मेरे को नहीं समझ में आ रही। फिलहाल तो घर पे चलते हैं पहले, फिर बात करते हैं आगे की। फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूं। अभी देखो रास्ते में मैं आ रहा था, तो मेरे को एक विलेज भी मिला था, लेकिन उससे मेरे को बहुत दूर से निकलना था। अगर मैं वहां पे चल जाता ना, तो वहां पे रेड स्टार्ट हो जाती और मेरे को वहीं पे ट्रेडिंग करनी होती। नहीं, लेकिन फिर भी बचते बचाते हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। ओके, रेड स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरे को जल्दी से जल्दी पहले दिन करना पड़ेगा, क्योंकि भागते आते आते ना मेरे को रात हो चुकी है यहाँ पे। और मैं रात में भाई से और ज़ॉम्बीज से भी फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनसे ही लड़ने में दिक्कत हो सकती है मेरे को, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं है। देखते हैं जो रहेगा। मैं पहली बार रेड डिफेंड कर रहा हूं, नहीं पहली बार तो नहीं कर रहा, वैसे पहले इजी होता था, लेकिन अभी शायद हो सकता है मुश्किल, क्योंकि पहले मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता था ना। ओके, ये रहा पहला। अबे एक तो चेस्ट रूम में यही दिक्कत आती है मेरे को, ये बड़ा करना चाहिए, क्योंकि यहां पे बहुत प्रॉब्लम आती है मेरे को। हाँ, पहली वेव है तो ये तो ईजी रहेगी, ये कन्फर्म है। वैसे ये डायमंड का आर्मर भी तगड़ा है भाई हमारा। अब भाई लोग, मैं ये वॉइस अपनी बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने डॉग से अभी प्लेजर्स को मारने की ट्राई कर रहा था, और मैं अपनी ये रेड पूरी डिफेंड कर रहा था, तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं की साथ में। मैंने सोचा कि मैं बाद में कर दूंगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दूसरी वेव यहाँ से आई थी, तो मैंने इनको भी ख़त्म कर दिया इजिली अपने डॉग की मदद से, अपने एरो की मदद से, तो इनको इजिली मैंने ख़त्म कर दिया। और आपको मैं एक हैरानी वाली बात बताता हूँ,
ये सब चीज़ों में ना मेरे को टाइम, आप अंदाज़ा लगाओ ये मेरे को एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगा होगा। मतलब सिर्फ अपने ये जो आर्मर है इसको अगर आप बिना क्रिएटिव मोड यूज़ किए, जब बिना कोई ऐसे चीट कोड लगाए, अगर आप खुद से ऐसी मतलब सर्वाइवल में रखोगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा भाई। 15 दिन से मैं एक वीडियो में लगा पड़ा हूं, और आज 16वां दिन है जब मैं जाके ये पूरी वीडियो रेडी कर पाया हूँ। तो भाई पिछले 15 दिन से मैं सेम टू सेम तरीके से लगा पड़ा हूँ। उससे पहले भी लगा हुआ था, खेल रहा था, लेकिन मैंने ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट की थी। जब मैंने ये मेन अपना आर्मर अपग्रेड करने की सोची थी तब से मेरे को 15 दिन तो इजिली हो चुके हैं। अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत ऐसी सामान पड़ा है कि जिससे मैं इनको अपग्रेड कर सकता था इस वीडियो में, लेकिन अभी भी बचेगा। और यहाँ पे एक विलेजर हमारा ख़त्म हो चुका था, ये विलेजर ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने इनको इजिली मार दिया। अब लास्ट वेव बची थी, मेरे को लगा अभी भी और आएंगी, लेकिन मैंने इनको इजिली ख़त्म कर दिया था सबको। बाकी हमारे आयरन गोलेम और हमारे डॉग्स हमारा साथ दे रहे थे, जिसमें मेरे को कोई खास परेशानी नहीं आई, और भाई इजिली हम यहाँ पे डिफेंड कर गए थे इस रेड को। और उसके बाद मैंने सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे अभी ट्रेडिंग थी वो मैंने कर ली थी, और अपनी सारी बुक्स इकट्ठी कर ली थी अपने आर्मर को अपग्रेड करने में। और भाई ये कितना फास्ट आ रहा है मेरे, मैंने पहली बार देखा इतना फास्ट ये। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाले थे इनसे, क्योंकि ये आर्मर ना जो मैंने पहन रखा था डायमंड का, ये भी मेरे को अच्छा खासा डिफेंड कर रहा था। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पूरी की पूरी रेड डिफेंड कर चुका था, और यहाँ पे एक और बचा था सामने, इनको ख़त्म करना था। उसके बाद इजीली भाई हम आराम से रेड अपनी ट्रेडिंग कर सकते थे, जो कि मैंने की भी थी, ठीक है। और इस ट्रेडिंग को, इकलौती ट्रेडिंग को भाई 16 दिन लग गए मेरे को अपग्रेड करने में, सब कुछ ए से लेके जेड तक, और विलेजर ढूंढने में कि भाई इससे ये बुक मिलेगी, इससे ये बुक मिलेगी, इससे ये बुक मिलेगी, ये चीज़ें करने में मेरे को 15 से 16 दिन निकल गए इजीली भाई, मक्खन की तरह। मैं नहीं बता सकता, मेरे को लगा कि इस माइनक्राफ्ट इजी है भाई बाकी गेम्स के मुकाबले, बाकियों में रैंक पुश करना होता है, लेकिन ये उनसे भी मुश्किल है भाई। एक छोटी सी चीज़ करने में ना इतना इतना टाइम चला जाता है, इसलिए तो ये वीडियो लेट है। बाकी भाई यहाँ पे मैं भी डिफेंड कर चुका था, आगे आप साथ के वाला वॉइस ओवर सुन लीजिए। भाई साहब मैंने अभी इतनी बड़ी रेड डिफेंड किया, इतनी मेहनत करके पहले रेड कराई, उसके बाद मैंने इतना टाइम लगा के उन सबको मारा और इतना टाइम वेस्ट किया, मेरे को लगा कि बहुत बड़ी मतलब मेरे को डिस्काउंट मिलेगी, लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट कितना ही मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। रुको, ये देखो मेरे को भाई 24 से सिर्फ 17 पेपर का ये डिस्काउंट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं भाई साहब। यार इतनी मेहनत कर रखी है मैंने, मैं क्या बताऊँ आपको अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तो मिला हमको ना से तो बैटरी है, लेकिन मेरे को ये है कि मैं अगर थोड़ा टाइम वहाँ पे अपने शुगर केन फार्म पे ही रुक जाता तो मेरे को इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरे को इतनी ज़्यादा मैं बाय कर सकता था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी अपनी सारी बुक्स बाय करता हूँ, देखता हूँ भाई मेरे को कितना टाइम लगने वाला है, और जल्दी जल्दी बुक बाय करके मैं आपको सीधा मिलता हूँ अपने एनबिल या और अपने उसमें क्या बोलते हैं एन्चेंटमेंट टेबल पे। और सबसे पहले एन्चेंटमेंट टेबल से करेंगे थोड़ा बहुत अपग्रेड, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों। ओके गाइस, अभी बुक्स तो लगभग हमारी डन हो चुकी है, एक नॉक बैक बची है, एफिशिएंसी बची है, सोल स्पीड बची है, और काफ़ी बची हैं, 2-3 और बची होंगी मेरे हिसाब से, मेरे को याद नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे को बुक्स मिल चुकी हैं हमारे सारे आर्मर और हमारे सारे के सारे वेपन्स के लिए। लेकिन एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मेन है हमारी पिकेक्स के लिए, वही हमको मिल नहीं रही है, लेकिन जो भी है ठीक है। हमको वैसे काफ़ी दिन निकल चुके हैं, मैं काफ़ी दिनों से ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और जो भी है ठीक है, करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे पहले तो काम हमको क्या करना है, इनको नेदराइट में कन्वर्ट करना है, और हो सके तो मेरे को थोड़े से यहाँ पे डायमंड के और आर्मर चाहिए इनकी हेल्थ इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद हम इनको वो करेंगे सब कुछ, सारा का सारा सेट, और नए वाले चाहिए हो सके तो, मैं तो वहीं पर ट्रेडिंग करके वहीं से वो कर दूंगा इनको। सबसे पहले तो इनको भाई नेदराइट में कन्वर्ट करता हूँ, कहाँ है वहाँ, जेरा स्मिथिंग टेम्पलेट, नहीं स्मिथिंग टेबल, सॉरी टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट तो हमारे पास है ऑलरेडी। ओके, यहाँ से मैं इनको करने वाला हूँ अपना कन्वर्ट नेदराइट में। तो ये रहा, ओह एक मिनट, मैंने भाई अपना वो तो उतारा ही नहीं है आर्मर, तो पहले वो उतार लेते हैं सबसे पहले, ये भी और ये भी। चलो अब शुरू करते हैं। नेदराइट की इंगट मेरे पास आपको पता ही कैसे आई है, अगर आप शुरू से देख रहे हो तो मेरे पास जिस जहाँ से पड़ी हैं क्या बोलते हैं उसको बास्टियन, तो बास्टियन से मेरे को ऑलरेडी ये मिल रखी हैं, तो आपको पता ही है सबको जो मेरे को शुरू से देख रहे हैं। नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने मिनिमम भाई 8-9 तो भाई बास्टियन लूटे हैं जिनमें से मेरे को ये इजिली मिले हैं, और टेम्पलेट भी वहीं से मिले, मैंने इनको डुप्लीकेट नहीं किया है, ये इतने मेरे को मिल ही रखे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब अपना कार्यक्रम, ये सारे डन हो चुके हैं, ये भी, और अभी लेगिन बची है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। अरे भाई अच्छे लग रहे हैं भाई, एकदम पूरा मतलब फील आ रही है अभी, हाँ बहुत हार्ड सा हो गया अपना आर्मर, इनको कन्वर्ट करो,
ओके हमारी ये स्वॉर्ड भी कर ली मैंने, पिकेक्स भी करते हैं, डन। अभी सारा कुछ मैक्स ही कर लेते हैं ना, मैं सोच रहा था पहले कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक्स करूँ कि नहीं करूँ मेरे को समझ नहीं आ रही, या फिर ये एक और पिकेक्स है मेरे पास इसको करूँ कि ना करूँ, क्योंकि एक में सिल्क टच रहेगी एक में फॉर्चून रहेगी, दो रखूँगा ना मैं, तो ऐसा सोच रहा था, लेकिन बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास टाइम पड़ा है, हमारे पास ये सब कुछ पड़ा है, और इसको अभी भाई अनएन्चांट करना होगा, तो जल्दी से जल्दी अनएन्चांट करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके भाई लोग, अभी मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन गया हूँ यहाँ पे। अब मैंने एक अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, सारी की सारी बुक्स लगा के अपने आर्मर पे, अपने टूल्स पे, अब ठीक है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पे आ रही थी, जब मैं आर्मर पे तीन बुक लगा रहा था, चौथी बुक लग नहीं रही थी, किसी पे चौथी नहीं लग रही थी, किसी पे पाँचवीं भी नहीं लग रही थी, ठीक है। अब सीन क्या था, यहाँ पे टू एक्सपेंसिव लिखा हुआ आ रहा था। मैंने ये प्रॉब्लम सर्च की यूट्यूब पे, तो क्या सीन था, वहाँ पे मेरे को बताया गया कि ऐसे ऐसे करके एनबिल का कुछ सीन होता है, तो ये 39 लेवल से ज़्यादा चीज़ों को आपको वो अपग्रेड करके नहीं देगा। तो अभी भाई मैंने फिर से डिसएन्चांट किया सब चीज़ों को, अब मैं फिर से एन्चांटमेंट टेबल बना रहा हूँ। अभी मैं ये लगा के इसको पहले यहाँ से अपग्रेड करूँगा, फिर एनबिल पे आएंगे हम, और एनबिल का भी कुछ तरीका है, उसको आप बुक्स को चेंज करके पहले बुक्स को जोड़ोगे, और बुक्स को लास्ट में जो एक बुक बचेगी वो लगाओगे उसके ऊपर। मैं क्या रहा था, सारी एक 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 करके बुक लगा रहा था, तो उसमें ऐसे दिक्कत आती है आपको, आपको करना क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी रुको आपको करके ही दिखाऊंगा, ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो एन्चांटमेंट टेबल लगा लेते हैं कहीं सही जगह पे, यहाँ पे अगर मैं लगा दूंगा, लेकिन ये सीढ़ी तोड़नी पड़ेगी मेरे को, ऊपर ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। मैं क्या करता हूँ, तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, चलो वहाँ पे। भाई साहब फ़ोन बड़ा हैंग हो रहा है इस गेम की वजह से, पहले ठंड होती थी, ठंड की वजह से तो सही चल रहा था, लेकिन अभी गर्मी आ रही है ना धीरे धीरे, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलो यहाँ पे रखते हैं एन्चांटमेंट टेबल। भाई मैं ट्रेडिंग कर करके 197 लेवल पे ले गया, खुद सोचो। अभी मेरे को बस बुक शेल्फ लगाने हैं, तो यहाँ से इनको ट्रेड करना है सब कुछ यहाँ पे, नहीं सॉरी पहले यहाँ पे एन्चांट करना है, उसके बाद फिर भाई आगे का स्टेप करेंगे। इसको यहाँ पे लगाओ और ऊपर रखो इसको। अरे यार मेरे पे सिल्क टच भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और बना कर लाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अभी मेरे को एक और लाना पड़ेगा, देखो एक मिनट वर्क करने लगा कि नहीं, पहले वो चेक करना पड़ेगा। ये रहा यहाँ पे टूल, वन लेवल, ओह सॉरी मैंने इसको साथ में जोड़ दिया ना, ओह भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा पीछे लगाएंगे, एक ब्लॉक छोड़ के अभी तो करना चाहिए ना वर्क। हाँ 28 लेवल, अब मैं जल्दी से जल्दी एक और बुक सेल्फ लेकर आता हूँ, तो 30 लेवल की पूरी मैक्स एन्चांटमेंट देगा, तो जल्दी से जल्दी आया मैं। एक चीज़ मैं और भूल चुका था, यहाँ पे लैपिस लजूली जिसकी मदद से हम इसको अपग्रेड करेंगे, तो ये भी हमारे पास बहुत भरा पड़ा है। ये तो ईजी है, सब कुछ ट्रेड कर सकते हो आप, अगर ट्रेड करके भी नहीं मिल रहा तो आपको ईजी मिल जाएगा, आप थोड़ा सा मतलब अपना माइनिंग करो आपको ईजी मिल जाएगा, ये तो मक्खन चीज़ है। और बाकी मैं दो अपने वुडलैंड मेंशन लूट चुका हूँ, तो उससे मेरे को दो ब्लॉक मिल चुके थे, बाकी हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी पड़ा था, ठीक है। फॉर्चून की पिकेक्स है, उसकी वजह से हमको काफ़ी मिल रखा है, तो ऊपर चलते हैं सीधा। अब जल्दी से जल्दी सब टूल्स और सब आर्मर वगैरह अपग्रेड करके देखते हैं, इसमें एन्चांट करके देखते हैं, देखते हैं हमको मिलेगा कि नहीं। पहले तो एक ये लगाना पड़ेगा सही ढंग से लग जाए। ओके डन, अब शुरू करते हैं बो से, थी पंच टू, ओके डन, इसको बाद में लगाएंगे, पहले तो हमारा आर्मर मेन है, तो स्टार्ट करते हैं हेलमेट से। ओके अरे चेक नहीं हो सकता क्या, एक मिनट इसको हटाओ। प्रोटेक्शन 4, हाँ ये चाहिए चाहिए चाहिए, प्रोटेक्शन 4 चाहिए मेरे को, डन। और इसके साथ थॉर्न्स 2 और अनब्रेकिंग भी मिल गया भाई, ये भी बढ़िया है, इसको भी लगा। अरे यार चेक करना था पहले, कोई दिक्कत नहीं है। थॉर्न्स 2 और क्या मिला, फायर प्रोटेक्शन, नहीं फायर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए मेरे को, ओनली प्रोटेक्शन चाहिए अकेला। चलो इसको डिसएन्चांट बाद में कर लाता हूँ मैं, तो सबसे पहले तो लैगिन लगा के देख लेते हैं इसका पूरा क्यों नहीं ओपन हो रहा। अरे हाँ लैपिस लजूली, सॉरी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी ब्लॉक से यहाँ पे, और रखते हैं यहाँ पे हमारी लैगिन बूट। इसमें क्या मिल रहा है, अरे यार ब्लास्ट प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ब्लास्ट प्रोटेक्शन हमको। लैगिन पे क्या मिला हमको, थॉर्न्स फायर प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग, नहीं इसमें प्रोटेक्शन 4 ओनली, सही है प्रोटेक्शन 4 भी मेरे को चल जाएगा वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इनको भाई डिसएन्चांट करना पड़ेगा, ब्लास्ट और फायर प्रोटेक्शन को चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये मेरे को नहीं चाहिए ना यार, तो मैं जल्दी जल्दी जाके अभी पहले वो डिसएन्चांट करने वाला वो लेकर आता हूँ वेपन स्मिथ वाला, देखते हैं भाई हम क्या कर पाएंगे, आगे मिलेगा कि नहीं हमको दोबारा से। उनको डिसएन्चांट करने से पहले इनको भी कर लेता हूँ कन्वर्ट, क्योंकि इनको भी फिर बाद में करता फिरूंगा ना, तो यहाँ पे सब कुछ अनब्रेकिंग 3 और पावर 3
नहीं, मेरे पास पावर 5 की पड़ी है यार बुक, अनब्रेकिंग 3, नेदराइट एक्स। इसमें क्या मिलेगा मेरे को? क्या हो गया? फॉर्चून 2, शार्पनेस 3 मिल चुका है क्या मेरे को? अरे अच्छा, ओके, वो अपग्रेड ऑलरेडी हो गई। दिमाग खराब। इसमें क्या मिलेगा हमको? शार्पनेस 4। अरे चाहिए यार, ये तो कंफर्म चाहिए। नॉकबैक 2 भी मिल गया। नॉकबैक की हमारे पास बुक नहीं है भाई साहब। हमारे पास नॉकबैक की बुक नहीं है। और ये अनब्रेकिंग वाली मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास बुक पड़ी है इसकी। ओके गाइस, हमने डिसएन्चेंट वाला यहीं पे ले आए हम, और इनको डिसएन्चेंट करके दोबारा। अरे ओके, प्रोटेक्शन 4 वाला मिल रहा है चेस्ट प्लेट पे, डन। और थॉर्न्स 2 मिल गया। अरे वाह, अरे ये भी बढ़िया है। हमारे को 2 बुक ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो हम अभी एनबिल पे अपग्रेड कर सकते हैं। सोल स्पीड 2 ही मिली अभी तक, हमारे को 3 नहीं मिली। सोल स्पीड 2 भी हमको एंशियंट सिटी में मिली थी, वो भी ठीक है हमारा। प्रोटेक्शन 4, इसमें भी प्रोटेक्शन 4 मिल रहा है। ओके डन, सही है, ये भी हमको चाहिए, तो इसको लगाओ यहाँ पे। प्रोटेक्शन 4 डन। डेप्थ स्ट्राइडर थी, और भाई साहब हमको 2 एंचेंटमेंट और मिल चुकी हैं, तो हमारी किस्मत अच्छी है, अभी सही चल रही है। और मेरे को क्या हटाना था वैसे? मेरे को याद नहीं आ रहा वैसे। हाँ, पिकएक्स पे लगाना था ये डायमंड की। और हमारा सारा कुछ डन हो चुका है ऑलरेडी, और कुछ भूल तो नहीं रहा ना मैं? डायमंड की पिकएक्स तो मेरे को याद है, यही करते हैं अभी। इसमें क्या मिल रहा है मेरे को? अनब्रेकिंग 3, सही है, चलो अनब्रेकिंग 3 भी चल जाएगा हमको। भाई साहब एफिशिएंसी 4 यार, मेरे पास ये बुक नहीं मिल रही थी मेरे को। भाई मैं इसको भी हटा दूं क्या? इसको भी हटाते हैं यार, इससे भी मिल सकता है ना हमको। एफिशिएंसी मिल जाए प्लीज़, एफिशिएंसी मिल जाए प्लीज़। अनब्रेकिंग 3 एक मिनट लगा के देखूं। भाई साहब एफिशिएंसी 4 इसमें भी यार, किस्मत अच्छी है भाई भाई यार। ओके गाइस, अगला स्टेप शुरू करते हैं। अभी हमको सारी एन्चेंटमेंट जहाँ से एन्चेंटमेंट टेबल से मिल चुकी हैं, जो मिलने वाली थी। अब मैंने यहाँ पे सेट कर लिया ऑलरेडी जो हमको हेलमेट पे चाहिए होंगी। सबसे पहले तो ये खाली कर देता हूँ अपनी इन्वेंट्री। अब हेलमेट की ओनली एन्चेंटमेंट उठाऊंगा और उनको लगाऊंगा, ठीक है। हमारे पास वैसे बुक्स तो सारी पड़ी थी जो हमको चाहिए थी, लेकिन वो मैंने जो आपको बताया था कि 2 एक्सपेंसी का एक सीन आ रहा था, इस वजह से मेरे को एन्चेंटमेंट टेबल बनाना पड़ा और यहाँ से अपग्रेड करना पड़ा। सबसे पहले तो हेलमेट पे लगाते हैं, नहीं हेलमेट पे नहीं, ऐसे आपको क्या करना क्या है, देखो एक साइड में आपको 12 EXP लग रही थी और एक साइड में देखो अभी 2 लग रही है। तो ऐसे आपको बुक स्विच करके ना इसके अपग्रेड करनी है। जैसे अभी 16 लग रही है, इसको अगर स्विच कर दोगे तो 10 लग रही है। ऐसे कर करके EXP कम लगती है, तो उसके बाद सारी बुक्स एक इकट्ठी करके सीधा हेलमेट पे। ओके, फाइनली हमारा हेलमेट डन नेदराइट का, और पूरी एन्चेंटमेंट भी तगड़ी लग चुकी है इसपे। ओके, अभी आगे शुरू करते हैं हमारी मेंडिंग वगैरह। हमारे पास सारी बुक्स पड़ी हैं। दूसरा अभी चेस्ट प्लेट की बारी है, 3 लगेंगी इस पे, तो और हमारी हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, बाकी एक लग रखी है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। स्विच करूं तो 12 एक जगह पे 3, चलो 3 वाली ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, 3 एक साइड पे 16 डन, 3 वाली डन हो गई। और इसको रखते हैं यहाँ पे बुक को, और हमारी चेस्ट प्लेट, और डन। प्रोटेक्शन 4, थॉर्न 3, अनब्रेकिंग डन, अमेंडिंग डन। चलो हमारी चेस्ट प्लेट भी डन होगी, लेकिन इसमें 4 ही होते हैं क्या? 4 ही होंगी शायद, मैंने मेरे को जहाँ तक याद है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गिन के रखी हैं सब कुछ देख के। अब बारी है लेगिन की, तो लेगिन उठाते हैं अभी, लेगिन पे लगाते हैं थोड़ा सा। और जहाँ पे टोटल 4 हैं हमारे पास बुक्स इसकी, हमारे पास इस पे है भी थोड़ी बहुत, थॉर्न्स वगैरह भी हैं। ओके, स्विफ्ट स्नीक हमको भाई एंशियंट सिटी में मिल रखी है ऑलरेडी, आपको पता ही, मैंने 2 एंशियंट सिटी लूट रखी हैं। चलो एक एनबिल टूट गया, ओके डन। हमारे पास बहुत भरे पड़े हैं, पहले एक और टूट गया था। और इसको भी कन्वर्ट करते हैं, इसको स्विच करो दोनों साइड 12, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर स्विच करो, और क्या कर सकते हैं, प्लीज़ लग जाए, प्लीज़ लग जाए। दूसरी बुक कहाँ है? 7, एक जगह पे 26, 7 वाली चाहिए, 7 वाली चाहिए। ओके डन, 26 नहीं, प्रोटेक्शन 4 ऑलरेडी लगी हुई है, और बुक लगाओ 32। इतनी होती हैं क्या इसमें? चलो सही है भाई, हाँ बूट पे सबसे ज़्यादा होती है एन्चेंटमेंट। ओके डन, हमारी भाई लेगिंग भी डन हो चुकी है, ये भी गॉड लेवल हो चुकी है पूरी एकदम, जितनी हाई हो सकती थी। और आगे अभी हमारे बूट बचे हैं, इसमें कुछ और तो नहीं बचा ना? डेप्थ स्ट्राइडर वगैरह सब कुछ है इसमें यार वैसे तो, और कुछ बचा तो नहीं है ना? शार्पनेस 4 तो वैसे जी स्वॉर्ड के लगेगी ना, 5। और अभी लेगिंग हमारी डन हो चुकी है, इसको भी पहनो। अभी बूट बचे हैं तो बूट लगाते हैं, बूट पे काफ़ी ज़्यादा लंबी एन्चेंटमेंट लगेगी। और जहाँ पे टोटल 5 बुक्स हैं, ये अगर लग जाए तो बढ़िया बात है, पिछली बार भी 2 एक्सपेंसिव आ रहा था इसका। और यहाँ पे स्विच करो इसको, प्रोटेक्शन 4 तो ऑलरेडी हमारे पास है तेरी तो। अबे यार क्या है भाई, क्या दिक्कत है तेरे को? एक मिनट सो लेता हूँ मैं जल्दी से जल्दी।
और आगे बढ़ते हैं, अपना काम फिर से शुरू करते हैं। भाई साहब 197 लेवल था शायद मेरा, भाई कितनी नीचे आ चुका हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स कन्वर्ट करते हैं पहले तो, एक जगह पे 8, एक जगह पे 3, ओके डन। 3 वाला चाहिए हमको, इन दोनों को मिलाते हैं, एक जगह पे 2, एक जगह पे 4, 2 वाली चाहिए, एक जगह पे 7, एक जगह पे 13, अरे 7 वाला चाहिए यार। अब इनको फिर कन्वर्ट करते हैं, 2 बची हैं वापिस, और 22, 15, 15 वाली। ओ भाई साहब, भाई मेरा सामान डिस वो हो जाएगा, क्या बोलते इसको, अरे भाई मैंने वहां पे कैट बिठा रखी थी, ये अंदर आया कैसे भाई? ओ भाई ये अंदर कैसे आया? जल्दी से जल्दी मेरे को चेस्ट लगा के इनको भरना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा गायब हो जाएगा सामान। ओके मैं सामान भरता हूँ गाइस, जल्दी जल्दी आपको बाद में मिलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे को बोला नहीं जाएगा मेरे से अभी, क्योंकि सामान जहाँ से गायब हो सकता है अभी, मैं जल्दी जल्दी भर दूँ इसको। भाई लोग मैंने सामान तो लगभग उठा लिया, मेरे को नहीं पता कुछ क्या गायब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं मेरे को पता कि मैंने कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले तो अपना काम ख़त्म करते हैं वहीं पे, बूट वाला ये डन हो गया, और अभी बुक लगानी है यहाँ पे हमारे बूट्स पे, 36 लेवल चाहिए। अरे यार भाई 197 लेवल ख़त्म हो चुका है हमारा। चलो मैं फिर से ट्रेडिंग करके थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करके आता हूँ, लेकिन उससे पहले दिन करना पड़ेगा मेरे को। भाई मेरा सामान, मेरे को नहीं पता कौन सा क्या गायब हुआ है, क्या गायब नहीं हुआ है, कुछ नहीं पता मेरे को। लेकिन हाँ मेरे को जहाँ तक याद है मैंने लास्ट वाला भी सामान उठाया है, लेकिन किस किस चेस्ट में भर दिया मैंने मेरे को कुछ नहीं पता ऐसा कुछ भी नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कैट बिठाई तो थी यार, कहाँ गई भाई? और आ एक और क्रीपर प्लीज़, आ यहाँ पर मत आ जाइयो। ख़त्म, ये भी ख़त्म। ओके भाई लोग अभी अपना फिर से मेन काम पे लग जाते हैं। अभी मैंने ना जो शुगर केन फार्म बनाया था बहुत फ़ायदा दे रहा है भाई आज मेरे को, वो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। लेकिन हमारे बूट भी यहाँ पे डन हो चुके हैं, अभी भाई ये पहन लेते हैं और चलते हैं बाहर। ये जो आर्मर, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, वेपन है, इनको बाद में अपग्रेड कर लेंगे, लेकिन हमारा मेन गोल था वहीं पर आर्मर, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक मिनट कैमरा स्विच कर लूँ मैं। ओके गाइस देखो अभी कैसा लग रहा हूँ भाई मैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत प्रो प्लेयर घूम रहा है यहाँ पे, हालांकि मैं हूँ नहीं, लेकिन जो भी है ठीक है। भाई साहब क्या खतरनाक लग रहा हूँ यार, मेरे को एक बार देख लेने दो पहले खुद को। ओके गाइस हमारा ये डन हो चुका है, हमारा लेवल पूरा 197 का 97 खत्म हो चुका है। और आप सीधा बस ऐसे एनबिल से अपग्रेड करने मत बैठ जाना मेरी तरह, पागलों की तरह। आपको भी बस वैसे पहले एन्चांटमेंट टेबल से ले लेनी चाहिए थोड़ी सी वो बुक्स वगैरह जो भी एन्चांटमेंट होती हैं, ठीक है, वो ले लेनी चाहिए, उसके बाद एनबिल पे अपग्रेड करना, ठीक है गाइस। ओके अभी मेरे को अगले वीडियो में शायद सीधा मैं एंटर ड्रैगन पे जाऊंगा तो सही, लेकिन उससे पहले मेरे को चेस्ट रूम एक अच्छा सा बनाना होगा सामान संभालने के लिए, देखते हैं क्या बनेगा। ओके गाइस ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था, हमारा पूरा आर्मर अपग्रेड हो चुका है, हमको बो भी सबको तगड़ी मिल चुकी है, इनके ऊपर मैं बाद में लगा दूंगा पूरा का पूरा सामान। मेरे को काफ़ी दिन बीत चुके हैं ये वीडियो बनाते हुए, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में सीधा एंडर ड्रैगन को मारने चलेंगे, और हो सके तो मैं फेस कैम के साथ बनाने की ट्राई करूंगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं फेस कैम के साथ बनाऊं क्या वीडियो वो एंडर ड्रैगन को मारने वाली, जो भी रहेगा मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। वैसे ही आपके पास 2 दिन है, तो 2 दिन तक आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हो, तो सीधा अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। और हाँ अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को इसके लिए राय भी देते हुए जाना, अच्छी लगी या घटिया लगी, कुछ चेंज करवाना चाहते हो उसको लेकर भी। अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आपको नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा, वो भी आप कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो, ज़्यादा ही अच्छी लग गई आपको वीडियो, तो नीचे सुपर थैंक्स का भी बटन मिल जाएगा आपको, वो भी आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज की जे वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।